सुरेंद्र वत्स, द डायमंड श्री सुरेंद्र वत्स का जन्म हरियाणा के जिंद जिले के एक छोटे से गांव अंचरा खुर्द में सन 1972 में हुआ। पिता श्री जवाहरलाल वत्स सरकारी शिक्षक एवं माता चंद्रकला गृहिणी थी। पांच भाई बहनों में श्री सुरेंद्र वत्स सबसे बड़े हैं। श्री सुरेंद्र वत्स बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी रहे हैं। श्री सुरेंद्र वत्स ने एमए और बीएड तक की शिक्षा पूरी की और कैरियर की शुरुआत प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के रूप में की, जहां उन्हें मात्र 500 रुपए मासिक वेतन मिलता था। सन 1996 में इन्होंने जिंद शहर में केबल ऑपरेटर के बिजनेस की शुरुआत की। सन 2001 में दोस्त ने पहली बार आरसीएम का प्लान दिखाया। इस बिजनेस में श्री सुरेंद्र वत्स को पैसा, सुरक्षा और समय का महत्व समझ में आया और इन्होंने आरसीएम बिजनेस को करना शुरू कर दिया। उसी वर्ष श्री सुरेंद्र वत्स रॉयल्टी पर पहुंचे। सन 2003 में टेक्निकल पर पहुंचे और आरसीएम की सबसे बड़ी पिन डायमंड को सन 2009 में हासिल किया। आज पूरे भारत के हर राज्य में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। पढ़ने, सीखने और सुनने के शौकीन श्री सुरेंद्र वत्स ने पूरे देश में ट्रेनिंग एवं सेमिनार के माध्यम से आरसीएम के लाखों डिस्ट्रीब्यूटर के जीवन स्तर को उठाने में उनकी मदद की। आज यह नेटवर्क इंडस्ट्रीज के जाने माने चेहरे हैं और साथ ही अपने यूट्यूब चैनल में चैट विद सुरेंद्र वत्स प्रोग्राम को होस्ट भी करते हैं। इस माध्यम से लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। लोग इन्हें द रियल डायमंड के नाम से पुकारते हैं। जिंदगी में जो सपने कभी देखे नहीं जा सकते थे, इवन अगर भगवान सामने आके ये कहते कि भाई क्या चाहिए आपको, बताइए अगले 2-5 साल में, सो जो चीज़ें हम सोच नहीं सकते थे वो इस बिजनेस ने पूरी की है। हमारे फादर साहब ने फर्स्ट जनरेशन में बहुत अच्छा काम करा, एक बिजनेस सेटअप करा और एक नींव बना दी गई। सो ये हमारी जनरेशन की जिम्मेवारी है कि इस नींव पे एक शानदार इमारत बननी चाहिए। मेरे पापा एक सेलिब्रिटी हैं। मेरे पापा जब मीटिंग्स में जाते हैं लोगों की तालियां नहीं रुकती हैं, इतनी मोटी मोटी मालाएं पहनाई जाती हैं उनके गलों में, लोग स्पेशली उनके पैर छूते हैं एक एज अ रिस्पेक्ट, और मीटिंग्स के बाद ऑटोग्राफ्स लेते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट माय फादर हैज नन, नो फादर हैज। इसमें जो है आरसीएम करके बड़ी उन्नति करी, क्योंकि आरसीएम जो था ये एक ईमानदार व्यवसाय ही था और उसी वजह से ये जो व्यवसाय था इसका अच्छी तरह से फूला फैला। फादर साहब के पास बहुत लेजर टाइम होता है, उनको टाइम फ्रीडम की अपॉर्चुनिटी मिली है बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। तो पापा मेरे साथ मैराथन के लिए जाते हैं, जिम में जाते हैं, बैडमिंटन खेलने जाते हैं। इनफैक्ट हम दोनों इतना घुल मिल जाते हैं कि कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि वो आपके दोस्त कहाँ हैं। सो तो उनको बताना पड़ता है कि दोस्त नहीं है मेरे फादर साहब। डैड हमेशा मोटिवेट करते हैं, हमेशा जब भी हम लोग कोई भी दिक्कत आती है तो पापा इज द वन की जो हमें बोलते हैं कि इट्स ओके, इट विल बी फाइन। फोन उठाया तो फोन श्रीमती जी का था। श्रीमती जी ने पूछा कि आपको मालूम है आज कितनी तारीख है? मैंने कहा हाँ मालूम है, इसी नंबर है और अभी थोड़ी देर में मीटिंग होने वाली है। उन्होंने कहा कि आपको ये तो मालूम है कि आज कितनी तारीख है और मीटिंग होने वाली है, लेकिन आप ये भूल गए कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। जिस दिन आरसीएम करते हुए 5 साल हो जाएंगे उस दिन हम लोग एनिवर्सरी का केक काटेंगे। और जिस दिन 5 साल हो गए थे आरसीएम करते हुए उस दिन हम लोग गोवा में थे और गोवा के ताज पैलेस में हम लोगों ने एनिवर्सरी का केक काटा। आज तो जो मैं स्थिति देखती हूँ उसमें हम कभी यही नहीं सोचते कि कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना, तो खुल के इन्वेस्ट करते हैं। ना कभी कोई ऐसी प्लानिंग आती कि खर्च ज़्यादा होएगा कम होएगा, नहीं जितना होगा ठीक है। तो आइए हम आरसीएम के रियल हीरो और रियल डायमंड को अपनी जोरदार तालियों के साथ स्टेज पर आमंत्रित करते हैं।